आंवला सर्दियों के लिए अमृत माना जाता है और विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ही आंवला से दो रेसिपी जो बहुत ही काम की है और आपकी हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखेंगी। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आंवला लिया जिसे इस तरह से काट लिया है। तो आंवले को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, तो इसे मैंने थोड़ा बारीक ही काटा है जिससे आराम से पिस जाए। उसके बाद मैंने क्या किया है, मिक्सी का छोटा वाला जार लिया, उसमें से ऐड कर देंगे। तो एक बार में इसे नहीं पीसेंगे, इसे 2 या 3 बार में पीसेंगे ताकि अच्छे से पीस जाए। तो थोड़ा सा मैंने आंवला इसमें डाल दिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैंने चला कर बंद किया इसे और इस तरह से पीस लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक छन्नी में मलमल का कपड़ा रख लिया था, उसके ऊपर इसे डाल दिया, उसके नीचे बर्तन रख लिया था ताकि जो सारा जूस है उसमें निकल जाए। तो इस तरह से इसे दबा दबा कर इसका जूस निकाल लेंगे या हाथ से इसे भी अच्छे से निचोड़ दें कपड़े को पकड़ कर, तब भी इसका जूस अच्छे से निकल आएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ उठाकर। तो इस तरह से सारे आंवले को निचोड़ कर जूस निकाल लिया और इसे बॉटल में स्टोर करके रख लेंगे। ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और जिसे स्किन की प्रॉब्लम हो उसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। शहद में गुनगुना पानी मिलाकर इसे पी सकते हैं। तो ये विटामिन सी का स्रोत है भरपूर, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो ऊपर का पार्ट है उसे मैंने सुखा लिया था छाया में और इस तरह से पीस लिया था। तो इसे आप छोले बनाने में यूज़ कर सकते हैं, अमचूर पाउडर का काम करता है, एक तरह से खटाई का काम करता है। और अगर किसी को पेट में प्रॉब्लम हो तो रात को खाने के 30-40 मिनट इसे गर्म पानी से ले सकता है, पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की और भी नई नई वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके तो बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं एक और नई इस तरह की वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।